आज का अपना नया टॉपिक प्यारे साथियों, अपने पूर्व में सुमित्रानंदन पंत के बारे में पढ़ा था, जो प्रकृति के सुकुमार कवि हैं, जिनकी अपनी एक रचना इन्होंने इनकी पढ़ी थी प्रथम रश्मि, उसके बारे में पढ़ा था। अब हम आज के इस नए टॉपिक की बात करते हैं, जिस टॉपिक का नाम है भारत माता। भारत माता टॉपिक जो प्रस्तुत कविता है वो सुमित्रानंदन पंत की है। इस टॉपिक में कवि ने बतलाया है कि जो गुलाम भारत था आजादी से पूर्व के बारे में इस कविता में भारत की दुर्दशा का चित्रण किया गया है। जो भारत देश गुलामी की कड़ियों में जकड़ा हुआ था उसका वर्णन किया गया है, और उसमें बताया गया है कि उस गुलाम भारत के निवासियों ने किस प्रकार अपनी आजादी को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार से अनेक संघर्ष किए, कितना त्याग दिया, कितना बलिदान दिया, और साथ ही गुलाम भारत की स्थिति, उसकी दुर्दशा, उसकी चिंताएं, शंकाएं, कष्ट, दुख, इस सभी का यथार्थ चित्रण इस भारत माता कविता के अंदर किया गया है। कवि साहब ने यह भी बताता है कि मेरा जो भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, आज उसकी वर्तमान में स्थिति क्या होने जा रही है। जिस देश को विश्वगुरु कहा जाता था, आज उस देश की क्या स्थिति है, कितनी दयनीय स्थिति है, इसके बारे में भी कवि का विचार चिंतनीय है। और उस चिंतनीय विचार को ही कवि ने हमारे सामने इस कविता को उपलक्ष करवाया है। कविता के माध्यम से कवि जो है वो अपने कष्टों और भारत के निवासियों के जो दुख है, दर्द है, उसको प्रकाश में लाने का कार्य किया है और बताया है कि जिस प्रकार से एक भारत का निवासी उसकी जो माँ, जो माता के समान है, जो उसका लालन पालन करती है, उसी भारत के निवासी की एक माँ भारत माता भी है, जो कि उसे पालती है, पोसती है, उसको सब कुछ देती है, इसलिए उसको भारत माता या ग्रामवासिनी की संज्ञा भी दी गई। इस कविता के माध्यम से कवि ने जो अशिक्षित लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, जो निरक्षर है, जो समाज के एक कॉर्नर में बैठे हुए हैं, समाज से एक अलग पद पर, अलग प्रश्न चिन्ह पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों की दुर्दशा का भी वर्णन किया है। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगा। तो आप इसका प्रश्न लिखें, क्योंकि पंत जी के बारे में पूर्व में भी पढ़ाया था कि इनका जन्म 1900 के आसपास और मृत्यु जो है 1977 में हुई थी। प्रमुख रचनाएं वीणा, पल्लव, चिदंबरा, युगपत, लोकायतन,
युगवाणी, स्वर्ण किरण ये इनकी प्रमुख रचनाएं और प्रकृति के सुकुमार कवि हैं। प्रकृति में रह करके इन्होंने अपनी रचनाओं को लिखा है। अब हम भारत माता के संबंधित क्या विचार है इनकी कविताओं में वो पढ़ लेते हैं और एक क्वेश्चन करते हैं। तो आप प्रश्न लिखें, भारत माता कविता में पंत जी के विचारों को स्पष्ट कीजिए। पंत जी के विचारों को स्पष्ट कीजिए, इसका उत्तर लिखें। प्रस्तुत भारत माता कविता में पंत जी ने भारत की दुर्दशा का चित्रण किया है। लिख लिया। और बतलाया है कि आज भी भारत देश की जनसंख्या का अधिकांश भाग गांवों में ही निवास करता है। और यह भी बतलाया है कि विकास की सबसे प्रथम पीढ़ी गांवों का विकास करना ही है। क्योंकि गांव में रहने वाले व्यक्तियों और वहां की जो स्थिति है उसके बारे में कवि ने बतलाया है कि इनका त्याग व इनका समर्पण बहुत ही अपार है। इनके समर्पण के द्वारा ही या इनकी त्याग की भावना के कारण ही देश का विकास संभव हो रहा है। क्योंकि नई चेतना का संचार गांवों के निवासियों के द्वारा ही संभव होता है। वे क्रांति के अग्रदूत कहलाते हैं। लिख लिया। अब लिखे पहला पॉइंट, भारत माता का यथार्थ चित्रण। इसमें लिखे कवि पंत का विचार है कि भारत माता गांव में निवास करती है। सच्चे अर्थों में भारत गांवों का देश है। गांवों में ही
परमात्मा के दर्शन होते हैं। पंत जी कहते हैं कि यहाँ खेतों में हरियाली फैली रहती है, परंतु इसका हरा आंचल मैला सा अर्थात गंदगी से व्याप्त है, अर्थात यहां गांवों में गंदगी रहती है। नहीं पहले से इतना भारतीयों की दीनता को देखकर मानो भारत माता करुणा के आंसू बहा रहे हैं, भारत माता करुणा के आंसू बहा रहे हैं। ये आंसू ही गंगा यमुना आदि नदियों की जलधारा के रूप में प्रवाहित हो रहे हैं। पंत जी कहते हैं कि भारत माता की दृष्टि दीनता से ग्रस्त निराशा से झुकी हुई रहती है। भारत माता का मतलब यहाँ पर ये है कि भारत माता की आज स्थिति देखिए कि भारत देश में रहने वाले जो व्यक्ति है वो बेसहाय असहाय है और गुलाम बने हुए हैं और दीनता से झुके हुए हैं, उस गरीबी से झुके हुए हैं, बेसहारा है। तो इस स्थिति का पंत जी ने वर्णन किया है और उनकी आंखों में एक क्रंदन का स्वर स्पष्ट दिखलाई देता है, निराशा के आंसू स्पष्ट दिखलाई देते हैं। आगे लिखे इसके अधरों पर मुख रोदन की व्यथा, इसके अधरों पर मुख रोदन की व्यथा दिखाई देती है। भारत माता का मन युगों से बाहरी लोगों के आक्रमण कौमा शोषण कौमा अज्ञान आदि के कारण विषादग्रस्त रहता है। इस कारण ही वह अपने ही घर में प्रवासिनी के समान उपेक्षित कौमा शास्त्रों की कृपा पर निर्भर रहती है। यह भारत का दुर्भाग्य ही है। भारत माता के बारे में व्यक्ति संबोधित करते हुए कहते हैं कि भारत माता का जो व्यक्ति है वो बाहरी लोगों के आक्रमण से उनके शोषण से उनके अज्ञान से एकदम विषादग्रस्त रहता है, वो गुलाम रहता है, वो प्रवासी अपने ही देश में रहकर के प्रवासी के समान उपेक्षित रह रहा है और इसकी इस व्यथा का परम रूप से चित्रण किया गया है। ये गांव का व्यक्ति या भारत देश का व्यक्ति भारत का निवासी होने के बावजूद भी ऐसा लगता है कि देश का निवासी नहीं है बल्कि प्रवासी है, क्योंकि उसकी अपने ही देश के अंदर वो खुल करके बोल नहीं सकता, अपने विचारों को प्रस्तुत नहीं कर सकता, उसमें उसकी स्वतंत्रता को छीन लिया गया है, क्योंकि बाहरी आक्रमणों के द्वारा आपको पता है कि हम कितने 200 वर्षों तक गुलाम रहे अंग्रेजों के और हमारे सारे अधिकार हमारी भावनाओं और हमारी आज़ादी को ठेस पहुँचे।
आगे लिखें। दूसरा पॉइंट, भारत की जनता का यथार्थ चित्रण। भारत की जनता का यथार्थ चित्रण इसमें लिखें, भारत माता की करोड़ों संतानें गरीबी के कारण नंगे बदन हैं, ये आधा पेट भोजन मिलने से व्यथित कोमा शोषण से ग्रस्त तथा प्रतिरोध करने में असमर्थ है, ये अंधविश्वासों से ग्रस्त होने से अज्ञानी है। देखो यहां पर कवि क्या कह रहे हैं कि भारत की जनता के जो लोग हैं वो नंगे बदन हैं, इनका पेट जो है वो आधा भरा है, मतलब भोजन भी पर्याप्त रूप से इनको नहीं मिल पा रहा है, शोषण से ग्रस्त है, प्रतिरोध करने में सामना करने में ये असमर्थ है, और साथ ही अंधविश्वासों से क्या ये ग्रस्त है, अंधविश्वासों से घिरे रहते हैं, जिस कारण ये अज्ञानी रहते हैं, ज्ञान नहीं होता है, इस अज्ञान के कारण अंधविश्वासों में झुके रहते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते, और इनका शोषण होता रहता है। आगे लिखें, अज्ञानी है, असभ्य, अशिक्षित एवं गरीब है, ये लोग अत्याचारी के सामने सदा झुके हुए रहते हैं, उसका विरोध करने में इनका साहस नहीं है, क्योंकि ये इनके गुलाम बने हुए हैं। कवि आगे कहता है कि सोने के समान मूल्यवान धान उगाने वाले किसान आज अत्याचारी शासकों एवं शोषकों के चरणों में गिरा पड़ा, इस कारण किसान का मन कुंठाग्रस्त व करुण है, इन किसानों का जीवन धूमिल व कष्टों से गिरा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट लिखे हैं, नई आशा के संचार का भाव। नई आशा के संचार का भाव इसमें लिखे, विदेशी शासकों और शोषकों से भारत माता का परिवेश चिंताग्रस्त रहा, उसके सामने कोई आशा की किरण नहीं है, इस कारण भारत माता के मुख की शोभा छायाग्रस्त या कुहरे से ग्रस्त चंद्रमा के समान एकदम धूमिल है, एकदम धूमिल है। भारत ने ही संसार को सर्वप्रथम ज्ञान दिया, परंतु आज वह ज्ञानी भारत अज्ञानी सा है। जिस देश ने गीता का प्रकाश फैलाया था परंतु
आज इस ज्ञान साधना की पुण्य भूमि एवं गीता की जन्म भूमि भारत अंधानुकरण से ग्रस्त है। आज उसकी ज्ञान चेतना कुंठित हो रही है। इतना होने पर आज भारत का तप संयम हो रहा है, उसमें नवी आशा का संचार हो रहा है, उसमें नवी आशा का संचार हो रहा है। अब भारत माता अहिंसा रूपी प्राणदायक दूध पिला रही है, जो कि अमृत के समान है तथा जनता के मन के भय को दूर करने वाला और संसार के अज्ञान को समाप्त कर नई आशा को संबल देने वाला है। यह संसार को अहिंसा रूपी आत्मबल दे रहा है। इस विशेषता से अब भारत विश्व की माता या लोक माता बन रही है तथा जीवन का संपूर्ण विकास करने का मार्ग दिखला रही है। तो इस कविता के माध्यम से दोनों चीजों का संदेश दिया है कि एक तो भारत माता की जो दुर्दशा है उसके बारे में, उस स्थिति के बारे में, और एक स्थिति ये थी जब भारत माता जो है जिसका गुणगान होता था पूरे विश्व के अंदर, उसको पूज्य माना जाता था, उसको गुरु माना जाता था, वह अहिंसा और जैसे विचारों को फैला रही थी, जिसका चारों तरफ गुणगान होता था, उन दोनों का वर्णन किया गया है। लेकिन आज वर्तमान की स्थिति ऐसी है कि भारत स्वयं जो है जिसने पूरे विश्व को ज्ञान दिया, पूरे विश्व में एक नई चेतना जागृत की, पूरे विश्व में एक नई जागृति पैदा की, एक नया आयाम पैदा किया, उसी का आज शोषण हो रहा है, उसी के ऊपर अत्याचार हो रहा है। तो बदलती हुई परिस्थितियों पर भी भारत माता के ऊपर क्या क्या नए आक्षेप हो रहे हैं उसके बारे में पंत जी ने यहाँ पर अपनी कविता भारत माता के बारे में स्पष्ट किया है। मुझे आशा है कि आप जब इस विषय को पढ़ोगे तो आपको बहुत ही सिंपल भाषा में समझ में आ जाएगा, क्योंकि अपनी पाठ्य पुस्तक में बहुत ही सिंपल कविता है, एकदम छोटी कविता है, जिसका क्वेश्चन इतना ही बनता है। तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी क्रम में आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।